हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएसके ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मल ड्रेस के ऊपर अपना कोई भी पैटर्न किस तरीके से अप्लाई करेंगे और वो रियलिस्टिक किस तरीके से लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रेस को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप जाएंगे सिलेक्शन टूल में और क्विक सिलेक्शन टूल पे को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपना टाइम लीजिए और ड्रेस को सिलेक्ट कीजिए। एंड प्रॉपर सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे करने के बाद क्या होगा, इस ड्रेस का डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी आपको टेक्सचर वहाँ अप्लाई करना है उसको उठाएंगे और वहाँ पर ड्रैगन ड्रॉप कर देंगे। ड्रैगन ड्रॉप करने के बाद आपको कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करके इसको रोटेट करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क कर देंगे। यहाँ से जा करके राइट क्लिक क्लिपिंग मास्क, अदरवाइज ऑल्ट का बटन होल्ड करके वहाँ पे क्लिक कर देंगे ना, वो भी आपको क्लिपिंग मास्क देगा। अब यहाँ पे देखो क्लिपिंग मास्क तो हो गया, बट ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। इसे रियलिस्टिक लगना चाहिए, उस तरीके से नहीं लग रहा है। तो क्या करना है आपको, यहाँ से सबसे पहले इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है, जिसको हम मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद डबल क्लिक करके यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन खुल गया। ब्लेंडिंग ऑप्शन खुलने के बाद ऑल्ट का बटन दबा के रखेंगे और यहाँ से वाइट शेडो कम करेंगे, ऊपर से भी थोड़ा सा कम कर देंगे। और ये देखिए आपका रियलिस्टिक पैटर्न अप्लाई हो गया। तो आप इस तरीके से आप किसी भी ड्रेस पर अपना पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं और वो रियलिस्टिक लगेगा, प्रॉपरली रियलिस्टिक। तो आप जैसे क्या देख सकते हैं, इसी तरीके से आप बाकी पे और पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने इसको यहाँ पर लिया, इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको क्लिपिंग मास्क कर दिया। क्लिपिंग मास्क करने के बाद जो हमारा ओल्ड लेयर उसको हाइड कर देंगे और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद डबल क्लिक करके भी आप ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे एफएक्स पे जा करके भी आप ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से ऑल्ट का बटन दबा करके वही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है और ये आपका पैटर्न अप्लाई। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने किसी भी इमेज पर अपना पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।